प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, उसके अंतर्गत सिंगल दीप वर्णन खंड है, उसकी व्याख्याएं बताना चाहूँगा। इससे पहले भी पहले वाले वीडियो में मैंने मलिक मोहम्मद जायसी की दो व्याख्याओं का विश्लेषण किया था। अब मैं इन व्याख्याओं के आगे जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में सिंगल दीप वर्णन खंड के अंतर्गत तीसरी जो व्याख्या है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। तीसरी व्याख्या है, जब ही दीप नियरवा जाई जनु कबिलास नियर भा आई, घन अमराऊ लाग चौपासा उठा भूमि हुई हुत लागी आकाशा, तरिवर सबे मलय गिरी लाई जय भई जय छह रेनी हुई आई, मलय समीर सोहावन छहा जेठ जाड़ लागे ते माहा, ओ ही छह रेनी हुई आवे हरियर सबे आकाश देखावे, पथिक जो पहुँचे सही के गामो दुख बिसरे सुख होई बिसराऊ, जय वह छह पाई छह अनुपा फिर नहीं आई सहे वह दुपा, अस अमराऊ सगन गन बरनी न पारो अंत फले फरे छऊ ऋतु जानो सदा बसंत। अब इस पद्यांश में इस व्याख्या में मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल दीप के राजा गंधर्व सेन की वाटिका का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि सिंगल दीप के राजा गंधर्व सिंह का जो बगीचा था और जो तरह तरह के उसमें पेड़ पौधे थे, फूल थे आदि का बड़ा ही सुंदर और सार्थक वर्णन किया है। जैसे जब ही दीप निर्वा जाई, मलिक मोहम्मद जायसी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति उस दीप के पास में जाता है सिंगल दीप के, जनु कबिलास निर्वा आई, तो उसे ऐसा लगता है मानो वह व्यक्ति स्वर्ग के पास में आ गया है। घन अमराऊ लाग चौपासा, उस वाटिका में आम के जो वृक्ष हैं वो चारों ओर फैले हुए हैं, उठा भूमि हुत लागे आकाशा, और उन आमों के पेड़ों को देख करके ऐसा लगा है मानो वो पृथ्वी से उठ करके और आकाश की तरफ विशाल सघन फैल गए हैं। तरिवर सबे मलय गिरी लाई, और वहां पर जितने भी वो पेड़ पौधे थे वो मलय गिरी पर्वत से ला करके लगाए गए हैं। भई जग छह रेनी ओई आई, और उन सघन वनों की सघन वृक्षों की छाया इतनी ज्यादा है कि उनको देख करके ऐसा लगता है मानो दिन में भी रात्रि छा गई हो। मलय समीर सुहावन छा, उस छाया में यानी जो मंद मंद सुगंधित हवा चलती है वो बहुत ही सुहानी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जेठ भाई जग मलय समीर सुहावन छा, जेठ जाड़ लगे ते ही माहा, और उस छाया में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको जेठ के महीने में भी यानी उनको सर्दी लगती है, ऐसा यानी उस वाटिका में एहसास होता है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका वर्णन किया है। ओ ही छह रेनी हुई आवी हरियर सभे आकाश देखावे, इसी यानी छाया को देख करके ऐसा लगता है मानो रात्रि का सा अंधकार हो गया हो, हरियर सभे आकाश दिखावे, और उस वाटिका में लगे हुए वृक्षों को देख करके ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा आकाश हरा हो गया है। पथिक जो पहुंचे सही के गांव, उस वाटिका में कोई राहगीर है, कोई पथिक है जो थक करके वहाँ पर पहुँच जाता है घूम करके, तो दुख बिसरे तो उस छा में बैठ करके उसका दुख दूर हो जाता है, सुख हो ही विश्राम, जब वह कोई विश्राम करने लगता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है। जय वह पाई छा अनुपा, जिस व्यक्ति ने इस अनुपम छा को प्राप्त कर लिया फिर नहीं आ सके सहे ये दुपा, फिर उसको धूप में आकर के कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अस अमराऊ सघन घन बरनी न पारो अंत, यानी उस वाटिका में यानी आम के जो पेड़ हैं और अन्य जो वृक्ष हैं उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।
फले फरे छऊ ऋतु जानो सदा बसंत। वो वृक्ष यानी छऊ ऋतु में फलते फूलते हैं और वहाँ पर ऐसा लगता है मानो हर महीने में वहाँ पर बसंत ऋतु विद्यमान हो। तो इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने इस व्याख्या में सिंगल द्वीप से संबंधित जो व्याख्या है इसमें राजा गंधर्व सेन जो वहाँ का शासक है उसकी वाटिका का उसके गार्डन का या उसके बगीचे का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है और इसमें अर्थ बहुत ही सार्थक और सटीक है, कोई इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब प्रिय छात्रों, इस व्याख्या के बाद में अब मैं आपको अगली व्याख्या बताना चाहूँगा। फरे आम अति सघन सोहाये, ओजस फरे अधिक सिरनाये, कटहर डार पीड़स न पाके, बड़हर सो अनुप अत्यंत ताके, खिरणी पाकी खांड असमीठी, जामुन पाकी भौर अति दृठी, नरियर फरे फरी फरहरी, फुरे जानु इंद्रासन पूरी, पुनी महुआ चहु अधिक मिठासु, मधु जस मीठ बहुप जस बासु, और खज हजा अनबन नाऊ, देखा सब रामन अमराऊ, लाग सबे जब जस अमृत साखा, रहे लोमाई सोई जो चौंखा, लवंग सुपारी जाय फल, सब फर फरे अपूर, आस पास घन इमली, ओ घनतार खजूर। अब इसमें भी मलिक मोहम्मद जायसी ने उस गंधर्व सेन की वाटिका का ही बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। फरे आम अति सघन सुहाए, उस वाटिका में आम के जो सघन वृक्ष हैं वो फैल करके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ओ जस फरे अधिक सिरनाए, और जैसे जैसे वो अधिक फल फूल रहे हैं तो अपने टहनियों को नीचे झुका रहे हैं, अपने सिर को नीचे झुका रहे हैं, तो उनको देख करके बड़ा ही सुंदर लगता है। कटहर डार पीड़ से न पाके, यानी कटहल का जो वृक्ष है वो डाल से लेकर के पेड़ तक यानी पक कर के तैयार हो गए हैं। बड़हर यानी बड़हर का वृक्ष सो अनूप अतिता के, उसको देखने में भी वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। खिरणी पाकी खांड असमीठी, उस वाटिका में खिरणी का वृक्ष पक्कर के यानी खांड के समान मीठा हो गया है या खांड से भी अधिक मीठी हो गई है। जामुन पाकी भंवर अतिथि, और जामुन पक्कर के ऐसे लगती हैं मानो काले रंग का कोई भंवरा हो। तो नरियर फरे फरी फहरी, यहाँ पर अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं वो फहरी वृक्ष है वो भी फैल रहा है। नारियल के जो पेड़ हैं वो भी लहला रहे हैं। पूरे जानो इंद्रासन पूरी, और उस पूरे वातावरण को पूरे वृक्ष वाटिका को देख करके ऐसा लगता है मानो भगवान इंद्र का यानी वहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो और वो इंद्रपुरी के समान वहाँ का बगीचा दिखाई देता है। पुनी महुआ चु अधिक मिठासो, महुआ यानी महुआ पक करके बहुत अच्छा मीठा हो गया है। मधु जस मीठ बहुत जस पासु, और मधु के समान यानी वो मीठा हो गया है और उसमें ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है। और खज हजा अनबननाऊ, और मलिक मोहम्मद जायसी वर्णन करते हैं कि और खाने वाले वृक्ष उस वाटिका में फले फले हुए हैं या लदे हुए हैं। देखा सब रावण अमराऊ, रावण की वाटिका में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे, पक रहे थे और सुंदर दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार से उस वाटिका में भी ये अनेक खाने पीने वाले वृक्ष फल फूल रहे थे। लागे सब जस अमृत शाखा, और उसकी अमृत के समान उस आमों में जो शाखा लग रही थी, जो आम का फल लग रहा था वो बहुत ही अमृत के समान मीठा था। रहे लोमाई सोई जो चाखा, जो भी कोई व्यक्ति उस आम के पके हुए फल को चख लेता है तो उसकी भूख शांत हो जाती है और वो लुभावना होकर के रह जाता है। लवंग सुपारी जाय फल, सब फर फरे अपूर, उस वाटिका में लौंग सुपारी जाय फल आदि के वृक्ष भी फल फूल रहे थे। आस पास घन इमली, और उन वृक्षों के आस पास में इमली के पेड़, घन ताड़ के वृक्ष और खजूर आदि भी यानी फल फूल रहे थे जो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तो इस व्याख्या में भी मलिक मोहम्मद जायसी ने
उसी वाटिका का वर्णन किया है जो राजा गंधर्व सेन की वाटिका थी और वो सिंगलदीप का शासक था। तो इस प्रकार से इस व्याख्या में भी यानी उस वाटिका का ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो ये व्याख्या है तीसरी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बस ही पंखी बोले ही बहुभाखा, करें हुलास देखी के साखा, भोर होत बोले ही चू चू ही, बोले पांडुक एक ही तू ही, सारो सुवा जो रहचे करहीं, कुरहीं परिबा ओकर बर रही, पीव पीव कर लाग पपीहा, तू ही कर गडरी जी हाँ, कुहू कुहू करी कोयल राखा, ओ भृंगराज बोल बहु भाखा, दई दई करी महरी पुकारा, हारिल बिनवे अपन हारा, कुहू कुहू मोर सुहावन लागा, होई कुराहर बोले कागा, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा ले दई करना। अब इस व्याख्या में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि उस वाटिका में अनेक प्रकार से यानी पक्षी बैठे हुए थे जो उस वाटिका के फल फूलों को खा रहे थे, चख रहे थे, तो उसमें बसने वाले पक्षियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं, बसई पंखी बोले बहुआ का, यानी इस वाटिका में अनेक प्रकार के यानी पक्षी बस रहे थे और वो अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे। करें हुलास देखी के शाखा, यानी वो हरियाली डालियों को देख करके, उनकी शाखाओं को देख करके प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उल्लास व्यक्त करते हैं। भोर होत बोले चुह चुही, यानी प्रातःकाल होते होते ही चुह चुही यानी छोटी चिड़ियाँ चुह चुही की आवाज़ में बोलने लगती है। बोले पांडुक एक ही तो ही, पांडुक भी पक्षी है, वो तू ही की आवाज़ निकालता रहता है। सारो सुवा जो रहचे करी, यानी तोता और मैना वो भी उस वाटिका में कलरव रहचे ही करती रहते हैं। करी उपरेवा और करवई, कबूतर और कबूतरी भी वहाँ पर उस वाटिका में विद्यमान है, जो भी यानी हैं वो सभी अच्छे हैं और सब यानी बहुत प्रसन्न हैं। पीव पीव कर लाग पपिया, और उस वाटिका में पपिया पक्षी है, वो पीव पीव की आवाज़ निकालता रहता है। तू ही कर गडूरी जी हाँ, और गडूरी जो पक्षी है वो तू ही की आवाज़ निकालता रहता है, जो बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। कुहू कुहू कर कोयल रखा, यानी उस वाटिका में कुहू कुहू की आवाज़ कोयल पक्षी निकालता है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। ओ भृंगराज बोलन होबा खा, और उस वाटिका में उल्लू विभस्ता है, जो अनेक प्रकार की यानी बोलियां बोलता है, भृंगराज यानी उल्लू पक्षी। दई दई कर महरी पुकारा, महरी पक्षी है, वो दई दई करके पुकारता रहता है। हारिल बिनवे अपन हारा, हरियल पक्षी है, वो भी भगवान अपने मुंह से यानी भगवान की वाणी का गुणगान करता है। कुहू कुहू मोर सुहावन लागा, और उस वाटिका में जब मोर बोलते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। होई कुराहर बोले कागा, और उसी वाटिका में इतने सुंदर पक्षियों के समक्ष जब वो आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसी सुंदर वाटिका में जब कौवा बोलता है तो वो कुराहर यानी शोर मचाता है। कौवा होई कुराहर बोले कागा, जब कौवा पक्षी बोलता है तो आवाज़ थोड़ी सी तिखी आती है। जावत पंखी जगत की भरी बैठी अमराव, संसार के जितने प्रकार के पक्षी हैं वो सब पक्षी इस वाटिका में बैठे हुए हैं, विद्यमान हैं। आपनी अपनी भाषा ले दही करना, और अपनी अपनी भाषा में भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं और भगवान से विनती करते हैं। तो इस व्याख्या में भी मलिक मोहम्मद जायसी ने उस वाटिका में विद्यमान जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों का गुणगान किया है कि वो पक्षी यानी किस प्रकार से अपनी अपनी भाषा में देवों का गुणगान करते हैं, किस प्रकार से वो भाषा बोलते हैं। सुवा है, तोता है, मैना है, गडरी है, उल्लू है, भृंगराज है, तो ये जितने भी हैं वो सब अपनी अपनी भाषा में देवों का गुणगान करते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में जब कौवा बोलता है तो कोलाहल थोड़ा सा होता है। तो जितने भी संसार के पक्षी हैं उस वाटिका में विद्यमान हैं, तो और वो पक्षी अपनी अपनी भाषा में यानी देवों का गुणगान करते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैंने आज आपको मलिक मोहम्मद जायसी की सिंगल दीप वर्णन खंड के अंतर्गत तीन व्याख्याओं को बताया है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब इनमें अगर देखा जाए, तीनों व्याख्याओं में अगर देखा जाए तो छंद और अलंकार का प्रयोग हुआ है,
यानी इसमें अलंकारों की दृष्टि से देखा जाए तो इन व्याख्याओं में यानी उपमा अलंकार तो है ही है, उपमा के अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। और भाषा की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने इस पद्मावत में अवधी भाषा का इसमें अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है, जो बोलने में समझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से यह बड़ी ही महत्वपूर्ण इसकी भाषा है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।